आपने बुंदेलखंड के क्रांतिकारियों को लेकर एक फिल्म बनाई है एलिस हिंदुस्तानी, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी इसकी प्रेरणा के जो स्रोत थे वो मेरे पिताजी हैं। मेरे पिताजी को युवा अवस्था में पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जमुनिया कला से उनको गिरफ्तार करके लेके पहले नाराहट आई। नाराहट में एक थाना तो मत कहिए, एक चौकी नुमा होती थी, उसमें रखा दो दिन के लिए। फिर एक गौना करके ललितपुर और नाराहट के बीच का एक छोटा कस्बा है, अब बड़ा हो गया है, वहाँ लेके आए। और फिर आखिर में ललितपुर में उनको पेश किया गया। 10-15 दिन के इधर उधर करने के बाद शायद एक महीना के उनको सजा हुई और फिर उनको वापस छोड़ दिया गया। क्या इल्ज़ाम क्या था उन पर? उनका देशद्रोह का था, नारे लगाए गांधी जी के समर्थन में आज़ादी के लिए। चूँकि उस समय इस तरह के जेल जाने वालों को बहुत हीरो और वो नहीं समझा जाता था, और उस समय जो लोग ये बड़े बड़े पॉलिटिशियन नेहरू गांधी या जो लोग भी उस समय जेल गए, वो जेल में उनकी सब कुछ व्यवस्था थी, उनके सेक्रेटरी भी थे, वो जेल में ज़रूर थे लेकिन सुविधाएं सारी दूसरे किस्म की थी। ये नीचे तबके में नहीं था, नीचे तबके में तो पुलिस प्रताड़ित करती थी, मारती थी और कह भी देती थी कि अगली बार अगर पकड़े गए तो ये तो महीने दो महीने की सज़ा है, अगली बार काला पानी की सज़ा होगी। तो जब पिताजी लौट के आए तो हमारे पूरे वंश ने, खानदान ने, मेरे ग्रैंड मदर अकेली थी, मिलके उनको बहुत समझाया बुझाया और फिर हमेशा के लिए इस तरह के आंदोलन में ना रहने की कसम दिलाई। लेकिन पिताजी का स्वभाव था उस तरह के, परोक्ष रूप से तो नहीं रहे लेकिन उन्होंने अपरोक्ष रूप से जहाँ जहाँ जिस तरह की मदद होनी थी की, और वही मेरे दिमाग में रहा। तो जब मुझे ये कहानी मिली तो मैं मुंशी जी को अपने पिताजी के रूप में देखता हूँ, क्योंकि मुंशी जी परोक्ष रूप से क्रांतिकारी नहीं थे लेकिन अपरोक्ष रूप से उनकी पूरी जो भूमिका है सिनेमा में क्रांतिकारियों से भी बड़ी है। इसलिए ये फिल्म मुझे लगा कि एक ट्रिब्यूट मैं अपने पिताजी को दे सकता हूँ। सन 2011 के लगभग आपकी सोच में आया कि जो बुंदेलखंड के जो नायक हैं जिनका इतिहास में चर्चा नहीं है उस पर फिल्म बनाई जाए? दरअसल इस माटी का कर्ज है मेरे ऊपर और मैंने सिनेमा सीखा है, सिनेमा से मुझे थोड़ा बहुत पैसा और ग्लैमर मिला है, तो मैं सिनेमा के ज़रिए ही यहाँ के लोगों का वो कर चुका रहा हूँ। और यह सच घटना है, हरपालपुर हमारा रेलवे स्टेशन था, नौगांव हमारे यहाँ के, ये ब्रिटिशर्स की छावनी हुआ करती थी, पॉलिटिकल एजेंट यहीं रहता था, उसके उन्हीं दोनों के बीच की ये कहानी है। और थोड़ा बहुत हमने सिनेमा की लिबर्टी लेके उसको बहुत ज़्यादा नहीं छेड़ा लेकिन उसको ड्रामेटिक अंदाज में रखा है। और मेरा मन है, अभी तो एक ही कहानी है लेकिन आगे भी इस तरह के जितने भी ऐतिहासिक और जो भी समाज के प्रति और देश के प्रति जो लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं उन पर आधारित हम सिनेमा रखे बनाएंगे और करेंगे, क्योंकि ये सिनेमा इतिहास रचता है, लोगों को प्रेरणा देता है। अब कमर्शियल सिनेमा बहुत सारे लोग बना रहे, बनाए वो उनकी सोच है, लेकिन मुझे नहीं लगता इस देश को अभी भी ज़रूरत है कैसे सिनेमा की जिसमें आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी गई, जिससे धर्म के प्रति लोगों को अंधविश्वास के प्रति जगाया गया। तो हम कटिबद्ध हैं, मैं, मेरी वाइफ, मेरे मित्र, मेरे सहयोगी, कि इस तरह का सिनेमा हम बनाते रहेंगे। मैंने प्रथा भी फिल्म बनाई थी, वो कुरीतियों पर थी, समाज में एक लड़की को किस तरह से प्रताड़ित करते हैं और किस तरह उसको देवी बनाकर उसके नाम पर लूट होती है और किस तरह वो लड़की खड़े होके एक्सपोर्ट करती है। इरफान खान को हमने मेन रोल दिया था, तो हम लोग कमिटेड हैं देखिए कि एक सिनेमा ऐसा भी हो जो समाज को दिशा और दशा देने में थोड़ा सा सार्थक हो। यह आपके पिताजी का पूरा नाम क्या था? श्री दीवान रघुवीर सिंह। ये आप जो घटना बता रहे कौन से सन की होगी? ये होगी आज़ादी 1935 या 1934 के लगभग की है। आप जैसे ललितपुर में आपका गांव है जमुनिया, अपने युवा अवस्था में आपने जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनमें से किन किन से आप मिले? पंडित परमेष्ठी दास जैन जो ललितपुर के थे और जैनियों के वो इतिहास पुरुष माने जाते थे, उनके नाम की किताबें थी और वो उनके दोनों उनके भाई
उनकी वाइफ तीनों लोग झेल गए, पंडित राम नारायण शर्मा, पंडित रुद्र नारायण शर्मा, कृष्णदेव चौबे और कामता प्रसाद सुडेले, ये सब लोग थे जो पिताजी के अग्रज थे और उस समय इन सब ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। चूँकि ये सब शहर से वावस्था थे तो शहर में उस तरह की खबरें समाचार मिल जाते थे तो वो उनसे जुड़ पाते थे। मेरे पिताजी निरीह गांव देहात के और ठाकुर खानदान के जो रूढ़ीवादी प्रथा के थे और वो शहर से उतना जुड़ नहीं पाए, संचार व्यवस्था नहीं थी तो वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। लेकिन हमें कई बार इस पर डांट खानी पड़ी। हमने कहा आपने एक सर्टिफिकेट ले लिया होता तो उन्होंने कहा कमबख्तो जेल जाने का सर्टिफिकेट लेता क्या मैं, या देश की आज़ादी के लिए मुझसे कुछ बन पड़ा उसके लिए मैं सर्टिफिकेट लेता कि मैंने कुछ किया। बोले वो मेरा मन था, मेरा तन था, मेरी मर्जी थी जो की। तो हमारे पिताजी ने एज सच गाँव के रहते हुए भी इतनी व्यवस्था में सपोर्ट किया कि मैं, मुझे लगता है कि वो एक आदर्श पुरुष अपने समय में थे और आज भी। ये जमुनिया बांध जो बना है उसकी भी एक अद्भुत घटना है। हमारे जामनी नदी हमारे गांव में बहती थी, जब वहाँ के इंजीनियर सर्वे करने के लिए आए, पिताजी ही एक उस एरिया के बड़े व्यक्ति माने जाते थे तो उनके लिए वो मिलने आए, खाना वाना हमारे घर पर ही था। जब सर्वे हुआ तो वो होलकर साहब थे चीफ इंजीनियर, और उनको मेरे पिताजी बहुत अच्छे लगे। उन्होंने कहा दीवान साहब देखिए अब ये बांध की जिद छोड़ दीजिए, मैं नीचे कहीं इस बांध को आगे करे देता हूँ, यहाँ करने से आपकी 600 एकड़ ज़मीन डूब जाएगी। तो मेरे पिताजी ने उस वक्त अद्भुत, उन्होंने कहा ठीक है होलकर साहब मेरी 600 एकड़ ज़मीन डूब जाएगी लेकिन 600 गांव के लोगों को पानी मिलेगा, मुझे बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। और फिर बांध बना, हम बेघर वहाँ से जमुनिया से हुए, फिर दूसरी जगह हमें जो विस्थापितों को जगह मिली वहाँ शहजाद नदी पर बांध बना, फिर हम वहाँ से विस्थापित हुए। तो आप ये सोचिए ज़मीन ज़मींदारी ज़मीन जायदाद सब छोड़कर हम तीन जगह से विस्थापित हुए और मेरे पिताजी को इस बात का कतई मलाल नहीं रहा। और ये सच भी है, अगर हम वहाँ पर तो ज़मीन जायदाद के मोह में रहते तो आज मैं आपके सामने बैठ के ना तो फिल्म पर चर्चा कर रहा होता, हम इस तरह की फिल्में बना रहा होता। ये उन्हीं की दूरदर्शिता थी कि मुझे और हमारे परिवार को एक राह दिखाई जिस पर चल के हम समाज की देश